डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था, हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी, हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जुट की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई यह है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्माती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं
जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी क्या? मोदी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। साथियों, जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखा दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़, ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़, इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी, हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे।